हेलो एवरीवन। तो आज का यह वीडियो है मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, आप सभी की प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GITEC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग आपसे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। साथ ही फ्रेंड्स, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी यूजफुल लगे, मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसे शॉर्ट में GITEC बोला जाता है और हिंदी में इसे जाना जाता है भौगोलिक संकेत के नाम से। तो इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ वो आपको आसानी से समझ आ सके। तो देखिए, यह एक ऐसा नाम या प्रतीक है, ठीक है, एक ऐसा नेम या लोगो है आप बोल सकते हैं, जिसे विशेष गुणवत्ता और प्रतिष्ठित उत्पाद के लिए दिया जाता है। यानी कि एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए, किसी ऐसी वस्तु के लिए दिया जाता है जिसकी कोई स्पेशल क्वालिटी हो, उसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक हो और बहुत ज़्यादा वो क्या हो, फेमस हो, उन वस्तुओं को या उन उत्पादों को GITEC दिया जाता है। साथ ही जिनकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस क्षेत्र की विशेषताओं के गुण और प्रतिष्ठा भी उसमें पाए जाते हैं। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, एक संरक्षित भौगोलिक संकेत धारक किसी और व्यक्ति को उसी तकनीक से इस उत्पाद को बनाने से नहीं रोक सकता है, लेकिन नकल करने वाला व्यक्ति उसी संकेत का उपयोग नहीं कर सकता है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अगर सपोज किसी प्रोडक्ट के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को GITEC अगर दे दिया जाए, अब उसके अगल बगल में भी काफी सारे लोग होंगे, भाई ये तो फेमस हो गया है, इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, हम भी सेम काम करते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कई शहरों में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या होता है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा फेमस होती है और वही काम को बहुत सारे लोग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया है कि अगर किसी को GITEC दे दिया गया है उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके उत्पाद के लिए, तो वो किसी और व्यक्ति को उसका उत्पादन करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन नकल करने वाला व्यक्ति उसी संकेत का उपयोग नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो इस काम को करेगा, वो उस भौगोलिक संकेत धारक का GITEC नहीं ले सकता। यानी कि जो उसको एक लोगो दिया गया है, एक टैग दिया गया है उसके प्रोडक्ट के लिए, उसकी नकल वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य की, यानी कि GITEC देने का मेन एम क्या है। GITEC किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। ठीक है, किसी क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होता है किसी स्पेशल फेमस प्रोडक्ट का, उसके लिए एक संकेत है ताकि उसकी कॉपी अगर कोई कर भी रहा है तो उसके संकेत का इस्तेमाल ना कर सकें, यानी कि उस टैग का इस्तेमाल ना कर सकें। ओरिजिनल में और जो आर्टिफिशियल है उसमें अंतर हो सके, इसीलिए ये दिया गया है। सेकेंड एम क्या है, देखिए, GITEC की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जैसे किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो ओरिजिनल है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए GITEC दिया जाता है। इस उद्देश्य से दिया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी को पहचाना जा सके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं GITEC जो है इसका पंजीकरण प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा वस्तुओं को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत GITEC दिया जाता है, तो भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत GITEC को परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 22A के तहत GITEC को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपके तभी क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, यह भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, किसके द्वारा जारी किया जाता है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा, जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ही देखिए, अगर हम बात करें GITEC की वैधता की, तो 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है और उसके बाद इसे रिन्यूअल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको एक्सटेंड करने के लिए इसका रिन्यूअल किया जाता है।
नेक्स्ट है देखिए, हमारे देश का जो पहला उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला वो दार्जिलिंग की चाय है, और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। और व्यंजन की अगर हम बात करें तो देखिए, पहला भारतीय व्यंजन हैदराबादी हलीम है, जिसे 2010 में ये दर्जा दिया गया यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें अब तक के सर्वाधिक वस्तुओं के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक में कुल 48 यानी कि 48 ऐसी वस्तुएं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, पूरे देश में एकमात्र राज्य है कर्नाटक। 2022 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य है केरल। देखिए, आपसे अगर ऑल ओवर इंडिया में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक होगा। और अगर आपसे सिर्फ 2022 में पूछा जाए तो केरल है। केरल को 2022 के लिए कृषि उपज के अंतर्गत 5 जीआई टैग मिले हैं। इसके अलावा असम, लद्दाख, महाराष्ट्र, तेलंगाना को भी एक एक जीआई टैग प्रदान किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें हमारे देश में कुल जीआई टैग की संख्या की, तो टोटल 432 प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, जिसमें से 401 जो हैं भारत के ही देसी उत्पाद हैं यानी कि भारत के ही अपने उत्पाद हैं। ठीक है, बाकी जो हैं 31 विदेशी मूल के उत्पाद हैं जिन्हें भारत की ओर से जीआई टैग मिला है। तो बेसिक पॉइंट हैं, आपको इनको समझना है ताकि आप लोग अपने जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से आगे प्रिपेयर कर सकें। अब देखिए फ्रेंड्स, लेटेस्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग हाल ही में किन प्रोडक्टों को दिए गए हैं और वो किस राज्य से संबंधित हैं, ये भी हम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया, देखिए 5 प्रमुख राज्य हैं जिसमें असम, लद्दाख, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल आते हैं। ठीक है, असम के असमिया गोमाचा यानी कि एक तरीके का गमछा है, अभी डीपली इसके बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। लद्दाख की है कार्पो खुबानी, महाराष्ट्र का है देखिए अलीबाग सफ़ेद प्याज, तेलंगाना का है तंदूर रेड ग्राम। इसके अलावा केरल के 5 प्रमुख प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जैसे देखिए चने के लिए अट्टापड़ी थुआरा बोला जाता है, कंथलूर वट्टावाड़ा वेलुथुल्ली लहसुन को बोला जाता है, पोट्टू वेलारी स्नैप मेलन, ठीक है ये भी एक तरबूज का वेराइटी है। ठीक है, अट्टापट्टी ओट्टू कोम्बू आवारा डोलीचोन्स बीन, ये बीन्स के लिए है। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट है देखिए ओना टुकारा अलू, ये तिल की एक वैरायटी है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग इनको नोट जरूर कर लें, क्योंकि आपसे देखिए 432 जिन प्रोडक्टों को जीआई टैग दिए गए हैं तो उनसे रिलेटेड राज्य और कौन सा प्रोडक्ट किस राज्य का है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो देखिए मेन जो हाल ही के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है उनको आप डेफिनेटली याद कर लें क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए असमिया गोमाचा यानी कि गमछे की अगर हम बात करें जो असम का है फेमस, ठीक है 2017 में ही इसके लिए सरकार ने एक कवायद शुरू कर दी थी कि इसको जीआई टैग प्रदान किया जाए। ठीक है, ये हाथ से बना हुआ सूत के कपड़े का एक गमछा है जिसमें लाल बॉर्डर होता है। इस गमछे को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में असम के जो पुरुष और महिलाएं हैं वो पहनते हैं। ठीक है, तो वहाँ का यह फेमस गमछा है इसलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला हमारा प्रोडक्ट है देखिए अलीबाग सफ़ेद प्याज। ठीक है, महाराष्ट्र के इस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में। तो देखिए ये जो प्याज है इसमें तेज गंध नहीं आती है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे महाराष्ट्र एक प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य है, ऐसे में अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिलने से देश विदेश में इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और किसानों को भी अच्छी आमदनी मिलने लगेगी। ठीक है, जीआई टैग का एक और फ़ायदा है कि इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि देखिए जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं या उनके क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता है उसके रेट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेंगे, तो इसलिए उनको फ़ायदा होगा। तो जीआई टैग मिलने से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी बात देखिए लद्दाख की कार्पो खुबानी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में। और लद्दाख की खुबानियाँ वैसे तो दुनिया भर में मशहूर हैं, आप सब लोग जानते होंगे। और इस खुबानी की मेन खासियत क्या है कि सफ़ेद बीज वाले पत्थरों के साथ एक विशेष बीज होता है, जबकि और जो खुबानी होती हैं पूरे देश दुनिया की अगर हम बात करें तो उनके अंदर बीज जो है भूरे रंग के बीज पत्थर जैसे होते हैं। ठीक है, इसकी मेन खासियत यही है। इसके बाद देखिए तंदूर रेड ग्राम जो तेलंगाना का एक प्रमुख उत्पाद है, ठीक है ये दलहनी फसल है वहाँ की, और अरहर दाल आप लोगों ने देखी होगी उसी की एक वैरायटी है। इसमें नॉर्मली देखिए और दालों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन
पाया जाता है, यानी कि लगभग 24% प्रोटीन इसमें होता है, तो इसीलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, देखिए केरल को सबसे ज़्यादा जीआई टैग साल 2022 में प्रदान किए गए हैं कृषि क्षेत्र में, ठीक है। तो सबसे पहला है लाल चना, ठीक है, ये वहाँ के आदिवासी बहुल इलाकों में उगाया जा रहा है, यह पारंपरिक फसल है वहाँ की जो साल भर उगाई जाती है। दूसरा है एलू तिल, ठीक है, ये तिल की एक वैरायटी है केरल की, और ये बहुत ही पुरानी पारंपरिक तिलहनी फसल है जो साल भर उगाई जाती है। इसके बाद देखिए केरल का जो अगला प्रोडक्ट है वो डोलीचोस बीन्स है, ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है और जो आदिवासी किसान है इस फसल की खेती से आजीविका भी कमाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है देखिए केरल का कथलूर वट्टावाड़ा वेलुथुल्ली यानी कि लहसुन है, ठीक है। देश भर के अन्य इलाकों में उगाए जा रहे लहसुन के मुकाबले में इस लहसुन में एक विशिष्ट स्वाद तीखापन है और इसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक इसे स्टोर भी किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रोडक्ट थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। इसके अलावा देखिए देश के राज्यवार जो अलग अलग प्रमुख उत्पाद हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख उत्पाद ही मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। वैसे जो टोटल 432 उत्पाद हैं जिनके लिए जीआई टैग दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था, तो मेन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लें, इनको नोट जरूर कर लें ताकि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप लोग इनको कर सकें। देखिए लद्दाख का प्रमुख प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया खुबानी फल है। मणिपुर के प्रोडक्ट हैं देखिए जिनको जीआई टैग दिया गया है, हाथी मिर्च मसाला, तोमंग लोंग, मेड्रिन फल, काला चावल। इसके अलावा असम का देखिए तेजपुर लीची, काजी नेमू, गोमचा यानी कि गमछा जिसे मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर किया था। मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट हैं आदिवासी गुड़िया, कड़कनाथ मुर्गा, बालाघाट चिन्नौर धान। देखिए कड़कनाथ मुर्गा के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा गोवा में है हरमल मिर्च, मिंदौली केला व खाजा, खोला चिली। राजस्थान के प्रमुख जो प्रोडक्ट हैं सजोत मेहंदी, कठपुतली, बीकानेरी भुजिया। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख प्रोडक्ट हैं देखिए कांगड़ा चाय और कुल्लू सॉल। इसके अलावा कुछ और भी राज्यों के प्रमुख प्रोडक्ट हैं जिनको आपने याद करना है। देखिए तेलंगाना के प्रोडक्ट हैं तंदूर, लाल चना दाल, उत्तराखंड का चूरा तेल, लाल चावल। इसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र में देखिए जलगांव केला फल, सांगली हल्दी और सोलापुर चादर को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुच्छी, मस्कम, केसर मसाला, कनीसोल को दिया गया है। सिक्किम में डले खुर्सीनी मिर्च, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार की बात करें तो जरदालू आम, सिलाव खाजा, शाही लीची। तमिलनाडु में देखिए नरसिंह पट्टई, नागस्वरम और सेलम फैब्रिक को जीआई टैग दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके साथ जीआई टैग के रिगार्डिंग मेन प्रोडक्ट कुछ राज्यों के शेयर किए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें, ठीक है, ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिले। अब हम करेंगे फ्रेंड्स देखिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ मेन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, तो आप लोग सीरीज में लास्ट तक बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था। देखिए पहला भारतीय उत्पाद आपसे पूछा जा रहा है, मैंने आपको ये पहले ही अभी क्लियर किया था। तो सबसे पहला उत्पाद था दार्जिलिंग की चाय, और व्यंजन में मैंने आपको बताया था देखिए हैदराबादी हलीम जो है वो पहला व्यंजन था जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। दार्जिलिंग की जो चाय है इसे 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग की शुरुआत किस वर्ष की गई। देखिए कौन से वर्ष में इसकी शुरुआत की गई आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 15 सितंबर 2003 में। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दिया जाता है भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है। देखिए भारत के अब तक कुल 432 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखिए भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है। देखिए जीआई टैग यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जीआई टैग पाने का लाभ है। देखिए जीआई टैग पाने का लाभ कौन सा होगा, यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल राइट है। इसके अलावा है जीआई टैग किए गए माल के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। देखिए तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जीआई टैग की समय
समय सीमा क्या होती है। देखिए जीआई टेक के लिए समय सीमा मैंने आपको क्लियर किया था, 10 वर्ष के लिए ये वैलिड होता है, उसके बाद इसका रिन्यूअल करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं की संख्या किस राज्य की है। देखिए कौन से राज्य को जीआई टैग सबसे ज्यादा प्रदान किए गए हैं, तो राइट आंसर होगा कर्नाटक, जिसको कुल 48 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स किस अनुच्छेद के तहत जीआई टैग को परिभाषित किया गया है। देखिए अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो अनुच्छेद 22 ए के तहत जीआई टैग को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यंजन कौन सा है। देखिए भारतीय व्यंजन पहला पूछा जा रहा है, तो हैदराबादी हलीम है, जिसे 2010 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर एक प्रोडक्ट का नेम याद रखना है, कौन प्रोडक्ट किस राज्य से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए हाल ही में कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य में पाया जाता है, तो मैंने आपको ऊपर क्लियर किया हुआ था अभी। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये प्रमुख उत्पाद है। इसके बाद है किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, तो असम की तेजपुर लीची को दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट है, देखिए शाही लीची को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो बिहार की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए सजोत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो सजोत मेहंदी संबंधित है राजस्थान से। और हापुस आम की अगर हम बात करें तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आप सभी के साथ जीआई टैग टॉपिक के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कुछ बेसिक क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इसी तरीके के और भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए सीरीज यूजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही फ्रेंड्स इस पीडीएफ के लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।